ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए लोगों की तीन चीजें कभी नहीं लेना चाहिए, वरना उसके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसे जिंदगी भर घोर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वह कौन सी तीन चीजें हैं जो मृत व्यक्ति की जीवित व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए? इस संबंध में गरुड़ पुराण में बताया गया है और एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से भी इस बारे में पूछा था। वही कहानी आइए हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में एक शंका लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। निसंदेह तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहां पधारे हो? दोस्तों, तब गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे इस संसार में कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका को लेकर के आया हूं जिससे मैं बहुत ही बेचैन हूं, जिसका समाधान केवल प्रभु आप ही कर सकते हैं। इस तरह से फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर के पूछो, क्योंकि तुम्हारी हर शंका और समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह से गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ कौन कौन सी चीजें लेकर के जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण विचार पूर्ण स्वर में कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। इस तरह से पक्षीराज गरुड़ को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ पांच चीजों को लेकर के जाता है। और यह भी पूरी तरह से सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की तीन चीजों का उपयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और पांच प्रेतों की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसलिए इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी के माध्यम से मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार भी करो। दोस्तों, इस तरह से पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को बड़े ध्यान और लगन के साथ सुनूंगा। अंत तक जो भी इस कथा में है वह सब मैं करूंगा और इस कथा का प्रचार प्रसार भी मैं कहूंगा, इसलिए आप कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात है, मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसमें वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह कभी भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। वह अत्यंत गरीब होते हुए भी भिक्षा मांग करके अपना जीवन का गुजारा करता था। दोस्तों, फिर एक दिन वह ब्राह्मण तपस्या करने के उद्देश्य से वन में जाने का विचार करता है। फिर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईश्वर का ध्यान करने की इच्छा से वह वन में विचरण करने लगता है। वह जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम था विपिन वन। जो वह वन था वह अत्यंत ही भयानक और डरावना था, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी। बहुत कम लोग इस वन में प्रवेश करने का साहस करते थे, क्योंकि वहां का वातावरण भय से भरा हुआ था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी वन में कुछ पेड़ बहुत ही पुराने समय के थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकल करके हर दिशा में फैली हुई थी। वहां बरगद का और अश्वस्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इसी भयंकर वन में मांडव और समी जैसे वृक्ष भी थे,
जिनके पास से गुजरते समय लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी और बिकट थी और उन पर अक्सर अजीब जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे और विषैले थे। दोस्तों, उस वन में काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिसकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती रहती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमा करते थे और उनकी आंखें अंधकार में चमका करती थी। दोस्तों, काले धब्बे वाले तेंदुए और हिंसक जानवर भालू आदि वहां अनेक जानवर थे और पक्षियों में शकुनी नाम का गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे हुए दूर से आए हुए लोगों को आतंकित करते थे। दोस्तों, उस वन का संपूर्ण जो वातावरण था वह अत्यंत ही रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का डर मंडराता रहता था। फिर चलते चलते वह ब्राह्मण एक अत्यंत ही पुराने वृक्ष के पास पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से होकर के जब गुजरता था तो ये उसे पकड़ करके खा लेते थे। पिशाच होने के कारण उसमें धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत ही पापी और दुराचारी थे और किसी पर भी दया नहीं करते थे। इस तरह से जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास पहुंचा तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगे, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, न कोई कीड़े और न ही कृमि होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। फिर दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के बाद शिकार हाथ में लगा है। दोस्तों, इस तरह से वह पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वह ब्राह्मण देवशर्मा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम जपा करता था, इसीलिए उसे किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था। फिर उन पिशाचों को देख करके भी वह ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है। ब्राह्मण देवशर्मा कहता है कि हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। दोस्तों, फिर उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देख करके जो वे पिशाच थे वे सब हैरान हो जाते हैं। फिर विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से हिंसा का जो भाव था वह नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर के उस ब्राह्मण की ओर देखने लगते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं, जिससे हम पिशाच को देख करके भी आपको जरा सा भी डर नहीं लगा। बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देख करके थर थर कांपते हैं और हमें देख करके डर के मारे यहां से भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझ करके प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने ही वाले थे। इस तरह से वह ब्राह्मण उन पिशाचों से कहता है कि हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं यह पूरी तरह से जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और वे हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं और बिना उनकी इच्छा के तो पेड़ का किसी पत्ता भी नहीं हिलता है। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी निश्चित है तो मुझे यह भी स्वीकार है। यदि प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना और उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, इस तरह से ब्राह्मण के वचन सुनकर के वे सभी जो पिशाच थे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवशर्मा, आपके वचन अत्यंत ही मधुर और सुंदर है, जिनको सुनकर के हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। हम आपका भक्षण किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। कृपा करके आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। दोस्तों, फिर वह ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मेरा नाम देवशर्मा है। मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उपयुक्त स्थान खोज रहा हूं और यदि उपयुक्त स्थान जहां पर मिल जाएगा वहीं पर मैं रुक जाऊंगा।
किंतु आपको देख करके लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। कृपा बताइए कि किस कारण से आप पिशाच बने हैं। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो अवश्य कहिए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं आपकी मदद करने में सफल भी हो जाऊंगा। दोस्तों, फिर वह ब्राह्मण की बातें सुनकर के सभी पिशाच चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण बने हैं। हम अपने पितरों का अपमान किया था, इसी कारण से हमें पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत सारे पाप किए हैं और पिशाच बन करके तो अनगिनत पाप किए हैं। हमने कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को मार करके अपना भोजन बना लिया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी भी पिशाच की योनि से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, तभी ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को भली भांत समझता हूं। कृपा करके मुझे बताइए मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण हूं। मैंने अनेक तरह के तप, व्रत और उपवास किए हैं। इसलिए आपकी मुक्ति के लिए यदि कोई व्रत और उपवास हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस तरह से ब्राह्मण देव शर्मा की बात सुन करके उन पिशाचों को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण प्रेत योनि में चले गए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाचों को जब यह पता चला कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है, फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में उस ब्राह्मण से बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम था उची, वह आगे बढ़ा और उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए देव शर्मा से कहा कि मेरा नाम उची इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले मैं पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के जूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद भी कि जूठा भोजन अधर्म है, जूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष का निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर के उची भोजन करता हूं और यही मेरा श्राप है। दोस्तों, दूसरा पिशाच, जिसका नाम था नग्न अंग था, वह आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। दोस्तों, उसने ब्राह्मण की ओर देख करके कहा कि हे ब्राह्मण देव शर्मा, मेरा नाम नग्न अंग है, इसीलिए मेरा नाम पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र होकर के स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम कुलदेव था और मैं तुम्हारी 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण के कुल में मुझे जन्म मिला था और मेरे पास ज्ञान और तप की बड़ी अपार शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगा और मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आने लगा और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। फिर एक दिन जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर के स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूब करके हो गई और अब मैं पिशाच हूं और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहता है। दोस्तों, तीसरा पिशाच, जिसका नाम था शव वस्त्र, और उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में बड़ा दर्द था। उसने कहा कि मैं इस योनि में इसलिए हूं क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम भीष्मदेव था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से था और एक आदरणीय ब्राह्मण था। कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लालच बढ़ता चला गया। मैं शमशान भूमि में जाकर के मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेच दिया करता था और मरे हुए लोगों के वस्त्र पहन करके मुझे बड़ी ही सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देख करके देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी शमशान में होगी और मैं पिशाच बन करके हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगी।
इस तरह से मेरी मृत्यु शमशान में हो गई, जहां एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। दोस्तों, चौथा जो पिशाच था, जिसका नाम था कव्याहारी, उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। दोस्तों, ब्राह्मण से उस पिशाच ने कहा कि मैं कव्याहारी हूं, क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम श्याम था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी अनेक तरह की हिंसा और क्रूरता की, और उसी क्रूरता और हिंसा से अपने जीवन का यापन किया, और मुझे मांसाहार और हत्या करने में बड़ा आनंद आता था, जिससे मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया, और मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इसी अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हो गई। जब मैंने एक गाय का मांस खाया तो देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर के रक्त का मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं हमेशा कव्याहारी बना हुआ हूँ। अंत में पांचवा पिशाच असोच था, जिसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि वह ब्राह्मण को सांस लेना भी कठिन हो रहा था। असोच ने कहा कि हे ब्राह्मण देव शर्मा, मेरा नाम असोच इसीलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में गोविंद नाम का एक ब्राह्मण था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्र जीवन व्यतीत किया। मैंने कभी अपने तन और मन की शुद्धता का कोई ख्याल नहीं किया। हमेशा मैंने गंदे वस्त्र पहने और हमेशा अपवित्र स्थानों में ही रहा। मैं कभी स्नान नहीं करता था, और यह सब जान करके भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। इसीलिए मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्ध में लिप्त रह करके ही इस पिशाच योनि में भटक करके मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूब करने के कारण हुई। और अब मैं इस पिशाच योनि में हूँ, जहां मैं हमेशा अपवित्र से घिरा रहता। दोस्तों, इस तरह से पिशाच कहते हैं कि हे वत्स, हम हमेशा उची वस्त्र पहनते थे, लेकिन गंदे और मैले वस्त्र पहन करके ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा उची भोजन ग्रहण किया है, इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितर हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी भी अपने पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ा। और इसके बाद दोस्तों, फिर वह पिशाच कहते हैं कि हे बस, तुम हमारे ही वंशज से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि तुम हमें मुक्ति जरूर दिलाओगे। दोस्तों, इस तरह से वह पिशाच कहते हैं कि हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। उन पिशाचों की बात सुनकर के ब्राह्मण देव शर्मा अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देख करके बहुत दुखी हो जाता है, और अपने मन में विचार करने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। फिर वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है कि हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य कोई न कोई उपाय करूंगा। और इसके बाद वह ब्राह्मण देव शर्मा मुनि अगस्त के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। फिर मुनि अगस्त उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। तब वह देव शर्मा ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर के अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त ने उसे बताए थे। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठ करके पिंडदान करता है, और उसके अनुसार जो कुछ भी हो सके दान धर्म वह सभी कार्य करता है। ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है। इस तरह से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी भी उचित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े अपने शरीर पर नहीं धारण करना चाहिए, और कभी भी उचित भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का जूठा भोजन, जमीन पर पड़ा हुआ तथा दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना गए किए जो भोजन हो वह उचिष्ठ भोजन कहलाता है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूँ जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए।
इसीलिए इस बात को तुम ध्यान से सुनना। हे गरुण, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर के कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है, मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना समर्पित जीवन नहीं कर देता है, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर के इसी पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक हो जाता है कि वह मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण कर लेता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बन करके वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेता है, या फिर उन्हीं वस्तुओं का उपयोग भी वह स्वयं करने लग जाता है। लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ भी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है और वह उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल करके अपने घर में रख सकता है, अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस प्रिय व्यक्ति की वस्तुओं का दान करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मृत व्यक्ति से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करने से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें इन बातों का पता भी चल रहा है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी आत्मा से जुड़ाव हो सकता है, जो जीवित व्यक्ति के लिए पूरी तरह से हानिकारक हो सकता है और जीवन उसका कष्टों से घिर सकता है। पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। यह कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो मृत व्यक्ति होता है उसकी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उन कपड़ों का इस्तेमाल करता है। इसके कारण उस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की यादें और ऊर्जा महसूस होने लगती है, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति को परेशान भी कर सकती है, इसलिए यह परंपरा है कि मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर दिए जाएं, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। और दूसरी वस्तु है मृत व्यक्ति के गहने। गहनों के साथ भी यही मान्यता जुड़ी है कि मृत व्यक्ति का अपने गहनों से भावनात्मक लगाव होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उन गहने पहन लेता है उनके, तो वह जो मृत व्यक्ति होता है उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है, और इसी के फल स्वरूप वह आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ने के बजाय मृत्यु लोक में ही भटक सकती है और अपने परिजनों को परेशान भी कर सकती है। इसलिए गहनों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे गला करके या किसी धार्मिक कार्य में इस्तेमाल कर दिया जाना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण वस्तु है माला। मृत व्यक्ति के जीवन के पुण्य उनकी माला से जुड़े होते हैं। उनकी माला को धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उस माला को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, ताकि उसके पुण्य स्वर्ग में पहुंच सके और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इन सभी मान्यताओं का उद्देश्य यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और जीवित व्यक्ति पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस तरह से दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुण, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर के ही जाता है। सभी भौतिक वस्तुओं को वह यहीं पर छोड़ देता है, इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अगले जन्म में भी साथ जाती हैं।
यह चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती है। अब मैं तुम्हें उन पांच बातों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वह पहली चीज है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। मनुष्य की कामनाएं उसे नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती है। कामना एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को लगातार नए शरीर की खोज में लगाए रखती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ जाती हैं और यह इच्छाएं उसके नए जन्म में पुनः कार्य करती हैं। कामना को एक प्रकार की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रहती है। अगर मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को साथ लेकर के जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें अगले जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुण, वासना कामना का ही एक उन्मत्त रूप है। वासना वह है जो मनुष्य को इंद्रियों के सुख और भोग की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी लालसा है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्रों, धन, परिवार और भोगों के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। भगवान कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़, वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। वासना का उदाहरण विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में मिलता है। राजा भरत ने एक हिरण के बच्चे से अत्यधिक प्रेम किया और उसकी वासना इस बच्चे के प्रति इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि वासना आत्मा के बंधनों को बांधे रखती है और मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़, कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहती है। मनुष्य जीवन में जो भी कार्य करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, वे कर्म अगले जन्म में उसे फल प्रदान करते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के द्वारा किए गए सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति प्राप्त होती है और अगले जन्म में भी उसे समृद्धि मिलती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक या दुखदायी जीवन का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत होती है कि यह आत्मा का 7 जन्मों तक पीछा करती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कर्ज के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़, कर्ज एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करती रहती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी से उधार लेता है और उसे बिना चुकाए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ बना रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बनाता है और जब तक यह चुकाया नहीं जाता है आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उस आत्मा को परलोक में कर्ज चुकाने के लिए भी दंड दिया जा सकता है और अगले जन्म में पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में लिए गए सभी कर्जों को चुका करके ही मृत्यु की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आत्मा अगले जन्म में इस बोझ से मुक्त हो सके। दोस्तों, अंत में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल प्राप्त करती रहती है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके मोक्ष दिला सकती है। भक्ति से भरा हुआ हृदय मृत्यु के बाद भी ईश्वर के समीप रहता है और यही कारण है कि भक्ति को जीवन का
सबसे पवित्र साधन माना जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कामना, वासना, कर्म, कर्ज, पुण्य और भक्ति रहती है। यही चीजें आत्मा को जीवन के चक्र में बांधे रखती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, यह कहानी और यह जानकारी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।